हेलो ऑल, इस रिमझिम सैंडविच को बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे पनीर को मैरिनेट। तो यहाँ 2 चम्मच मैंने लिया है दही, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पेरी पेरी मसाला और थोड़ा सा चाट का मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। दही में पानी नहीं होना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ मैंने पनीर के छोटे पीस करे हैं, 1 बाउल भर के पनीर है वो डाल देंगे। और इसे मिक्स करके पनीर को मैरिनेट करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आप इसे साइड पे छोड़ दीजिए। देखिए अच्छे से पनीर मैरिनेट हो रहा है। तो हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च ली है जिसे हम ऐसे काट लेंगे। शिमला मिर्च को काट के रख दिया है और इसके बाद यहाँ मैंने टमाटर लिया है 1, तो टमाटर के भी स्लाइस कर लेंगे हम। और टमाटर के भी स्लाइस कर लिए हैं मैंने, इसी तरह से हम प्याज के भी स्लाइस कर लेंगे। सारी इन चीज़ों को भी साइड पे रखेंगे। अब यहाँ तवे में बटर लिया है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच जितना, और ये जो कैप्सिकम की रिंग रखी थी इसे बटर में कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट करेंगे। इसे हमें सॉफ्ट नहीं करना है, बस कुछ सेकंड्स के लिए बटर में रोस्ट करना है, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। बस ये ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो इसे निकाल लेंगे और इसी पैन में थोड़ा सा यानी कि 1/2 चम्मच जितना बटर और डालेंगे हम। और अब हमारे पनीर को भी 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसमें हमारा सारा पनीर डाल देंगे और इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। देखिए मसाला ड्राई हो चुका है और पनीर भी हमारा अच्छे से मसालों के साथ कुक हो चुका है। बस इसे थोड़ी देर ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। बस इसे भी साइड पे रखेंगे। अब यहाँ डिप रेडी करेंगे। तो डिप रेडी करने के लिए मैंने 2 चम्मच मायोनीज लिया है, प्लेन मायोनीज, और इसमें 2 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे। इसके साथ 1/2 चम्मच पेरी पेरी मसाला डालेंगे और तीनों को मिक्स करेंगे। और ये हमारा डिप भी रेडी हो गया है। देखिए इसे साइड पे रखेंगे। अब यहाँ सैंडविच की ब्रेड ली है मैंने। तो सबसे पहले ये सैंडविच की ब्रेड है, इसके हम चारों साइड कट कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर बटर लगाएंगे। पूरी ब्रेड पे बटर लगा देंगे। इसी तरह से हम 3 ब्रेड ली है मैंने और 1 ब्रेड पे सबसे पहले हमने जो डिप तैयार करके रखा है पेरी पेरी डिप वो लगाएंगे और दूसरी ब्रेड पे भी हम पेरी पेरी डिप ही लगाएंगे। और ये तीसरी ब्रेड पे हम लगाएंगे ग्रीन चटनी, जो हमारे धनिया पुदीना की चटनी होती है वही है, वो लगाएंगे। अब ये डीप लगी ब्रेड पे हम वेजिटेबल्स अरेंज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले प्याज लगाई है मैंने और इसके साथ भी टमाटर की स्लाइस भी लगा देंगे। और ये जो चटनी वाली सैंडविच है, अच्छा इसके पहले इसके ऊपर ना ये वेजिटेबल्स के ऊपर पेरी पेरी मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब ये जो चटनी वाली ब्रेड है ग्रीन चटनी वाली, उस पर चीज़ स्लाइस लगाएंगे
और ये जो कैप्सिकम की रिंग हमने बटर में रोस्ट करके रखी थी वो भी बीच में लगाएंगे, और बीच में हम पनीर का स्टफिंग लगाएंगे। आप पनीर का स्टफिंग पूरी ब्रेड पे भी लगा सकते हो, और साइड पे भी हम पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल करेंगे। देखिए सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी है, तो अब एक के ऊपर एक, और ये जो लास्ट वाली ब्रेड है इससे हम कवर करके सैंडविच रेडी कर लेंगे। देखिए अब इसके ऊपर भी हम बटर लगा देंगे। देखिए ये बटर भी हमारा लग चुका है, अब हम इसे बटर में ही सेक लेंगे। हम इसे बिल्कुल स्लो आंच पे रोस्ट करेंगे ताकि हमारी ब्रेड दोनों साइड से क्रिस्पी होगी। एक साइड हो जाएगी तो हम इसे पलट देंगे और ये दूसरी साइड भी पूरी तरह से रोस्ट करेंगे ब्रेड पे। देखिए ऊपर से लग रही है ना क्रिस्पी, तो ये रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब इसके पीस कर लेंगे और हमारे मनपसंद केचप या चटनी के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू।